लातों के भूत बातों से नहीं मानते, और ये बात कहीं ना कहीं अमेरिका पर भी शत प्रतिशत लागू होती है। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, मानो इन्हीं जैसों के लिए बना है। खुद के अर्थव्यवस्था के पलीते लग रहे हैं, कहीं मुंह दिखाने योग्य नहीं, रूसी तेल ना खरीदने के लिए अन्य देशों के सामने घिघिया रहे हैं, पर मजाल है कि तनिक भी अकड़ में कमी हो गई हो। नमस्कार, स्वागत है आपका TFI पर, जो है देश का सबसे विश्वसनीय अल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल, और मैं निमेश पांडे आपको परिचित कराऊंगा कि कैसे अमेरिका एक बार फिर अपने हेकड़ी के चक्कर में अपनी मुंह की खाया, और कैसे भारत को पाश्चात्य जगत की गीदड़ भपकियों से अब तनिक ऊपर उठने की भी आवश्यकता है। हाल ही में अमेरिका ने अनुरोध किया है कि भारत और जापान रूसी तेल को खरीदने से परहेज करें। ब्लूमबर्ग में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका विश्व भर में धड़ल्ले से बेचे जा रहे रूसी तेल पर लगाम लगाने का प्रयास कर रहा है, जिसके लिए वह व्यक्तिगत स्तर पर प्रयास करने का पूरा जोर कर रहा है। परंतु ये कार्य सुनने में जितना सरल लगता है, वास्तव में वह उतना है नहीं। अमेरिका की ऊर्जा सचिव जेनिफर ग्रेनहोम को अपने क्वाड सहयोगियों को इस योजना के लिए स्वीकृति करवाने का काम सौंपा गया है, ताकि रूसी तेल किसी भी स्थिति में $60 प्रति बैरल से अधिक ना कमा पाए। अगर ऐसा हुआ तो वैसे ही गैर रूसी तेल अंतरराष्ट्रीय बाजार में औसतन $100 प्रति बैरल कमा रहा है, और इससे अमेरिकी सहयोगियों, विशेषकर मध्य एशिया के उसके साथियों को खूब लाभ मिलेगा। मजा नहीं आ रहा है। हाँ जी, आपको भी कुछ ऐसा ही प्रतीत हो रहा होगा। परंतु जब अमेरिका को प्रतीत हुआ कि भारत के समक्ष उसकी दाल नहीं गल रही, तो उसने अपने पंटरों को काम पर लगा दिया। हाल ही में बाइडेन प्रशासन ने मुंबई पोर्ट अथॉरिटी को आदेश नुमा लहजे में कहा कि वो अपने बंदरगाह पर रूसी जहाजों को नहीं आने दे, जिसके बाद मोदी सरकार का तो कुछ ऐसा हाल हो गया। चुप, एकदम चुप रहिए। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी कॉन्सुलेट से मिले इस चिट्ठी में मुंबई पोर्ट अथॉरिटी ने स्पष्ट किया कि कॉन्सुलेट कोई नहीं होता है कि उन्हें बताए कि क्या करना है। उनके कहे अनुसार, हम किसी भी जहाज या कार्गो पोर्ट को अनुमति देने से तब तक इनकार नहीं कर सकते जब तक हमें शिपिंग महानिदेशालय या तटरक्षक बल जैसी एजेंसियों से निर्देश नहीं मिलते। अधिकारी के अनुसार नियामक प्राधिकरण होने के नाते ये निर्णय DGS को लेना होगा। वही DGS ने ये निर्णय विदेश मंत्रालय के पाले में डाली है। शिपिंग महामंत्रालय के महानिदेशक अमिताभ कुमार ने द प्रिंट को अपने वार्तालाप में बताया, हमने अमेरिकी महावाणिज्य दूतावास के पत्र को विदेश महामंत्रालय को भेजा है और उनसे निर्देश मांगा है। कुमार के अनुसार, अभी तक किसी विदेश देश के जहाजों को भारतीय बंदरगाहों में प्रवेश करने से मना करने का कोई निर्देश नहीं दिया गया है। अगर वे सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करते हैं और अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों का उल्लंघन नहीं करते हैं, तो वे जहाज व्यापार के लिए स्वतंत्र हैं। अब इतना तो स्पष्ट है कि भारत ने अमेरिका को स्पष्टता से बताया है कि हर बार इनकी हेकड़ी नहीं चलेगी। परंतु भारत को यह भी समझना होगा कि हर बार ऐसी गीदड़ भपकी पर प्रतिक्रिया देने से कुछ नहीं होगा। और वैसे भी एक बंधु ने ठीक ही कहा था, छोटा आदमी गुंडा ही करना चाहता, करने दो,